दोस्तों हमारे देश में कई बड़े से बड़े शख्सियत मौजूद हैं जिनके शान और शौकत को देखकर कोई भी हैरान हो जाए। लेकिन इन सभी को देखकर सभी के मन में सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये सभी रहते कैसे होंगे, कैसा होता होगा इनका घर, ये करोड़ों के घर में रहते हैं या अरबों के घर में। इन सेलिब्रिटीज में सबसे महंगा घर आखिर किसका है, अक्षय कुमार का, सलमान खान का? अगर आपको इन सभी सवालों को जानना है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं शाहरुख खान से। फ्रेंड्स, बॉलीवुड में दर्जनों ब्लॉकबस्टर मूवी देने वाला शाहरुख खान को लोगों ने बादशाह और किंग खान जैसे निकनेम से बुलाया करते हैं। जब उन्होंने नारी मैन दुबास से विला वियना नाम का घर खरीदा और जिसका नाम बदलकर उन्होंने मन्नत रख दिया। आपको बता दें कि सन 2001 ईस्वी में यह घर उन्होंने 13 करोड़ 32 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन आज इस घर की कीमत बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो चुकी है, क्योंकि शाहरुख खान ने इस घर का रूप रेखा ही बदल कर रख दिया, जिसमें उनका साथ उनकी वाइफ गौरी खान ने भी दिया था, क्योंकि वही इस घर का इंटरनल डिजाइनर है जिन्होंने इस घर के डिजाइनिंग में 4 चांद लगा दी। इस पूरे घर में कुल 6 फ्लोर हैं, जिसमें 5 बेडरूम, 1 जिम, 1 स्विमिंग पूल, 1 लाइब्रेरी, 1 पर्सनल ऑफिस, 1 शानदार टेरिस और 1 मूवी थिएटर जैसी कई लग्जीरियस फैसिलिटीज भी हैं, जिसके बारे में लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं और शायद इसीलिए इसे मन्नत कहते हैं। आमिर खान। दोस्तों, बॉलीवुड के मास्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जानने जाने वाला आमिर खान अपने परिवार के साथ बांद्रा में स्थित विला विस्टा नाम के अपार्टमेंट में रहते हैं। इनका मकान 5000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसकी कीमत 60 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस घर में सुख सुविधाओं की वे सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वे कई बार सुर्खियों में भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनका एक और घर है जिनका नाम फ्रीडा अपार्टमेंट है। इन दोनों घरों के अलावा इनका एक पंचगने हॉल स्टेशन में भी एक आलीशान बंगला है, जहां ये तब जाते हैं जब ये मूवी के शूटिंग से फ्री हो जाते हैं। अक्षय कुमार। दोस्तों, आज अक्षय कुमार भले ही 54 साल के हो चुके हैं, लेकिन इतनी उम्र होने के बाद भी आज 1 साल में 1 फिल्म ये कर ही डालते हैं, जिसके वजह से इनकी कमाई भी खूब होती है। यही वजह है कि आज 1-2 नहीं बल्कि 5 आलीशान घर हैं। मुंबई में इनका एक घर जुहू में स्थित है, जिसका खिड़की खोलते ही अरब सागर का एक सुंदर नजारा देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि इस घर की पूरी डिजाइनिंग इसकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने की है। इसके घर की कीमत 80 करोड़ रुपए है। वही इनका एक घर गोवा में है और गोवा के इस घर को अक्षय ने पुर्तगाली स्टाइल में बनवाया है, जिसकी कीमत पूरे 5 करोड़ है। यह इसका एक सी प्रेसिंग विला है जहां की ये हॉलीडे मनाने के लिए आया करते हैं। इनके अलावा इनका बाकी घर विदेशों में भी है। सलमान खान। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि सलमान खान बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। कई लोग तो यह भी सोचते हैं कि इतना बड़ा एक्टर इस छोटे से घर में रहता है। असल में यह अपने करियर की शुरुआत इसी घर से किए हैं और यह इस घर को लकी मानते हैं और वह इसीलिए कभी भी इस घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनके घर में एक मास्टर बेडरूम है, जिम है, किचन है, बालकनी है। वैसे इनकी बालकनी कुछ ज्यादा ही फेमस है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जब इनके फैंस खड़े होते हैं तो सलमान खान इस बालकनी से निकलकर उसका अभिनंदन करते हैं। आज सलमान खान जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी। दोस्तों, अब जब इतनी महंगी महंगी आलीशान घरों और बंगलों की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम दुनिया के सबसे महंगे घरों को शामिल करें इस लिस्ट में। दोस्तों, मुकेश अंबानी की अमीरी वाली लाइफस्टाइल तो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उनका घर एंटीलिया कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में रहता है। और ऐसा हो भी तो क्यों ना हो, क्योंकि ये जो 27 मंजिला इमारत है यह वाकई में एक अजूबा ही है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी ने इस घर को सन 2006 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था और सन 2010 ईस्वी में यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया।
यह घर 7-स्टार होटल से कम नहीं है, क्योंकि इस घर में 600 कर्मचारी काम करते हैं। अब इसमें 600 कर्मचारी इसीलिए हैं क्योंकि इसमें 27 फ्लोर हैं, जिसमें 160 कार कैपेसिटी वाला गैराज भी है, हाई स्पीड एलिवेटर, 50 सीट वाला थिएटर, 3 शाइनिंग पूल्स, इसके अलावे योगा स्टूडियो, स्पा, एक भव्य मंदिर, हेल्थ सेंटर और एक ऐसा रूम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, जिसके अंदर बैठकर अंबानी फैमिली मुंबई में भी मनाली वाला फील करते हैं। फ्रेंड्स, इसका लिविंग रूम किसी भी एयरपोर्ट के लोवी जैसा लगता है। दोस्तों, इसके घर की कीमत की अगर मैं बात करूं, तो यह स्वर्ग जैसा दिखने वाला घर का कीमत 1500 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, जिस वजह से यह दुनिया का सबसे महंगा घर हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा घर सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो देखने हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।